नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मिक्सिंग में। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, गल्फ देशों की हम बात करेंगे, क्योंकि भाई एक देश की कोई इतना बड़ी को अपडेट है नहीं कि हम उसके ऊपर 5-7 मिनट हम आपसे बात कर सकें, क्योंकि फ्लाइट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दुबई के, सऊदी के बारे में, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर, जी हाँ, 5 कंट्री के बारे में बात करते हैं। दुबई का तो मैटरी अलग है भाई, इन कंट्रियों की फ्लाइट के बारे में बात करेंगे कि इन देशों की फ्लाइट के बारे में क्या स्थिति है, कौन से देशों ने कितने देशों को बैन करके रखा है, कब तक इनकी फ्लाइटों की स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ देशों के बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया के बारे में। देखिए भाई, सऊदी अरबिया की अभी रोज हालांकि कोई अपडेट वैसे है नहीं फ्लाइटों के बारे में। सऊदी अरबिया ने 13 देशों पे बैन करके रखा है। अगर बैन में कंट्री की बात करें तो इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, लेबनान, मिस्र, इथोपिया, यूएई, दुबई को बैन करके रखा है भाई, खास तौर से सुनने की बात है। वियतनाम, अफ्रीका, इन जो 13 देश हैं इनको बैन करके रखा है। अब यूएई की देख लो भाई, यूएई में 1000 केस रोज आ रहे हैं, उनको भी सऊदी सरकार ने बैन करके रखा है। तो इंडिया को तो लाजमी बनता है बैन करके, हालांकि फ्लाइटें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अभी पूरा अंदर की खसम खस चल रहा है, कभी भी कोई न्यूज आ जाए फ्लाइटों से रिलेटेड, ये अच्छी बात है। हालांकि वे सरकार ने समय समय पे इन देशों के जिनको बैन किया है वीज़ा एक्सटेंड किए हैं। अभी भी 31 सितंबर तक का बताया गया है कि वीज़ा एक्सटेंड कर दिए गए वे सरकार ने, जिनके वर्क परमिट वीज़ा हैं और जो छुट्टी आए हुए इन देशों में फंसे हुए उनके वीज़ा एक्सटेंड कर दिए, आप सबको पता ही होगा। सऊदी सरकार ने भाई क्वारंटाइन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाया हुआ है। अभी 27 लोगों को क्वारंटाइन नियम तोड़ने के लिए बता दूँ गिरफ्तार किया गया है, उनको 2 साल की फिक्स सज़ा है, 2 लाख जी हाँ सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा उनके ऊपर 100%, और दोबारा अगर वो गलती करते हैं तो उनको लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरबिया से बैन कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 27 लोगों को 2 साल की सज़ा प्लस 2 लाख रियाल जुर्माना, कितनी बड़ी रकम है, कितनी बड़ी सज़ा है। सिर्फ क्वारंटाइन का कहीं ना कहीं नियम तोड़े बाहर निकल गए होंगे, इससे ज़्यादा तो नियम क्या तोड़ेंगे भाई। तो आप समझ सकते हैं सऊदी में रहने वाले भाई ये गलती बिल्कुल ना करें, वरना आपको खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। हम बात कर लेते हैं भाई कुवैत के बारे में। कुवैत ने, आप सबको पता है भाई, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों के लिए फ्लाइटें, 6 देशों के लिए फ़्लाइटें ओपन करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि लोग बता रहे हैं 22 अगस्त से फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन भाई मैं नहीं मानता 22 अगस्त से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि उनके अंदरूनी बातें प्रोसेस चल रहा है कब स्टार्ट करना, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे में अपडेट आ जाए, 1 दिन में 2 दिन में आ जाए। लोग ये बोल रहे हैं 22 अगस्त से फ़्लाइट स्टार्ट हो गई, तो भाई हो गई तो मुझे भी बताना कि किसी ने टिकट बुक करवाई है तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करना, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि फ्लाइटें स्टार्ट हो गई, लेकिन डेट की, निश्चित डेट कब की स्टार्ट हुई है वो डॉट कंफर्मेशन डेट अभी तक नहीं है, आप सबको पता ही होगा। जी हाँ, बाकी उनका भी नियम आपको सबको पता है, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, बाकी आपको सबको पता लग ही गया होगा भाई। बाकी फ्लाइटें स्टार्ट हो गई है नो डाउट, कुवैत जाने वाले भाई तैयारी करके रखें, 1-2 दिन के अंदर शुरुआत हो सकती है या अगस्त के अंदर कभी भी शुरुआत हो सकती है, जो भी उनकी पूरा तामझाम बना के एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह सब एकदम तैयार होके, क्योंकि आपको पता है 15,000 कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, पहले 7,500 कैपेसिटी थी एयरपोर्ट पर डे लोगों की पहुंचने की, अभी उसको डबल कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी अपना मैनेजमेंट देखना होता है। तो फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं, लोग 22 अगस्त बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास कन्फर्म डेट नहीं है। अगर आपके पास है, किसी ने टिकट बुक करवाई है, तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं भाई बहरीन के बारे में। बहरीन का तो भाई, बहरीन ने तो एकदम कुंडली मार ली है, बैठे हैं आराम से। अगस्त, आपको पता है 30 अगस्त तक था तो उन्होंने बैन बोल के रखा है, बाकी आगे हम कह नहीं सकते, क्योंकि 6 अगस्त को बहरीन ने लगभग 16 देशों पे जिनको रेड लिस्ट में डाल के रखा था, जिसमें बता दूं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ईरान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इराक, जी हाँ ट्यूनेशिया, मंगोलिया, मेक्सिको, म्यांमार, पनामा, दक्षिणी अफ्रीका, ये जो ये देश है भाई, इन सबको बैन करके बहरीन ने रखा है। 6 अगस्त को बैन किया था, अभी भी बैन ही चल रहे हैं, 31 अगस्त तक की तो साफ साफ घोषणा है। आगे अगर उम्मीद है कि भाई किसी देश में अगर वो इंस्पेक्शन करते हैं उनकी सरकार, उनके हेल्थ मिनिस्टर, कि भाई इस देश में किसी में कोरोना कम हो रहे हैं, हो सकता है इंडिया का नंबर आ जाए, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है यार, 50 देशों के बराबर एक देश है, इसमें 30,000 आंकड़े आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलते रहेंगे भाई साल भर तक आने वाले हैं, सीधी बात, और आने वाले हैं, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा आंकड़ा कि 30,000 से 0 होते होते टाइम लग जाएगा,
समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई बहरीन की अभी तक तो देखो कोई अच्छी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो आई नहीं है, बाकी अफवाहें फैलती रहती हैं। तो थोड़ा वेट करिए, जैसे फ़्लाइटों की न्यूज़ आएगी हम आपको ज़रूर ये बातें इन्फॉर्म करेंगे। जी हाँ, आगे हम बात कर लें तो भाई ओमान के बारे में। जी हाँ भाई, ओमान ने भी फ़्लाइटें इंडिया के लिए बैन करके रखी है। पिछले महीने ही फ़्लाइटें बैन हैं। ओमान जाने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं जो छुट्टी आए थे और उनको लगा भी नहीं था कि ओमान फ़्लाइट और बहरीन ये फ़्लाइटें बंद कर देंगे, लेकिन जी हाँ इन्होंने भी फ़्लाइटें बंद कर रखी हैं। हालांकि ओमान ने बोला है कि जिन देशों के लोग बैन नहीं हैं वो अगर हमारे पास हमारे देश में ओमान में आते हैं एयरपोर्ट पर तो मान्यता प्राप्त जो डोज हैं वो डोज उनको लेनी होंगी। दोनों PCR टेस्ट आपके पास होना चाहिए। 7 दिन उनका क्वारंटाइन, वो मान्य है कि भाई 7 दिन आपको क्वारंटाइन रखेंगे, आपके खर्चे पे आपको रहना पड़ेगा। 8वें दिन आपका दोबारा टेस्ट होगा। टेस्ट में क्लियर होने के बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। जी हाँ, अगर बैन की बात करें तो भाई अगस्त तक, जी हाँ लगभग देशों ने अगस्त तक बैन करके रखा है, जिसमें सूडान, ब्राजील, नाइजीरिया, तंजानिया, सियेरा लियोन, इथोपिया, UK, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान और ट्यूनिशिया, इन देशों को भाई ओमान ने भी बैन करके रखा है। यानी लगभग सेम ही देश है भाई, जैसे आप सऊदी आप मान लो या फिर ओमान, बहरीन, ये जो काफ़ी सारे देशों को बैन करके रखा है ना, 12-13-15 देश सेम है, 2-4 देश आगे पीछे हो सकते हैं। तो भाई ओमान ने भी बैन करके रखा है। 31 अगस्त तक का तो है, फाइनल है। अगस्त के बाद में क्या सरकार सोचती है, क्या अपडेट देती है, हम कह नहीं सकते। कतर की बात कर ले तो भाई कतर का भी आपको सबको पता ही है, फ़्लाइटें स्टार्ट हैं। कतर का तो कोई चक्कर ही नहीं, कतर तो कतर है। आप कतर तो इंडिया के लोग काफ़ी समय से जा भी रहे हैं, कोई दिक्कत उनको है नहीं। कतर से होकर बहुत सारे देश लोग सऊदी में, कुवैत में या फिर दुबई में भी पहुंचने की कोशिश की थी, लोग गए भी थे, लेकिन अभी वो लोग उधर से नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुवैत ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं, तो इस उम्मीद में लोग बैठे हैं। सऊदी अरबिया ने भी स्टॉप करके रखा है, भाई थर्ड कंट्री से आओगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। हालांकि लोग जा रहे हैं कुछ कुछ करके, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो जाते हैं, बाकी जो बैठे हैं जो बैठे हैं। तो भाई शॉर्ट में बात करें तो बता दूं, दुबई को छोड़ के इस टॉपिक में हमने 5 कंट्रियों के बारे में बात करी कि भाई सऊदी, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर। जी हाँ, इनके बारे में, इनमें 5 कंट्रियों में भाई एक कंट्री को छोड़ दें, कुवैत को, कि जिन्होंने फ़्लाइट ओपन करने की घोषणा कर दी है, बाकी 4 कंट्रियाँ तो वहीं की वहीं हैं, टस की मस। कतर के तो हालांकि फ़्लाइटें हैं, बाकी देखिए बात करें बहरीन, ओमान और सऊदी अरबिया, ये 3 कंट्री ऐसी हैं कि 6 कंट्री में से 3 की फ़्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं, 3 की अभी बैन हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो बड़ी कंट्री हैं, जैसे बड़ी कंट्री की बात करें तो भाई दुबई है, कुवैत है, जी हाँ, और कतर भी भाई बड़ी कंट्री है। तो ये 3 देशों ने फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं, तो भाई सऊदी अरबिया तो स्टार्ट करने वाली है, तय बात है। बहरीन और ओमान वो तो छोटे छोटे देश हैं यार, उनको तो फिर तो वो भी स्टार्ट कर ही देंगे, नो डाउट। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई, अभी तक फ़्लाइट की अपडेट यही है, इसमें कोई अपडेट वाली बात नहीं है। आगे कोई अपडेट आती है तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय